हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। मैं राजकुमार आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ। दोस्तों, एक्सरसाइज 4.4 क्लास 7th का एनसीईआरटी मैथ है। ये आपका सरल समीकरण का लास्ट चैप्टर है, उसके बाद ये चौथा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर पर। देखते हैं क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक हम लोगों ने समीकरणों को हल करना सीखा था। जैसे यक्स प्लस 4 इक्वल 19 दिया है, तो यहाँ से यक्स के मान निकालने सीखे थे। और हम लोगों ने इस तरह का समीकरण भी हल करके किया था, मतलब जो भी अज्ञात राशियाँ थी उनके मान निकाल चुके हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें समीकरण भी नहीं दिया गया है, अब थोड़ा टास्क और भी डिफरेंट हो चुका है पहले से। अब हमें समीकरण खुद से बनाने हैं और फिर तब हल करने हैं। चलिए, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। पहला सवाल कह रहा है, यहाँ से देख लो, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए, फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। पहले तो समीकरण बनाइए, फिर जो भी उसमें ज्ञात नहीं है, अज्ञात राशियां हैं, यानी कि जो भी चर पद होंगे, वेरिएबल्स, उनके आपको वैल्यू भी फाइंड करने हैं। देखिए कंडीशन क्या है, कह रहा है कि एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। संख्या के 8 गुने में, किस संख्या के? एक संख्या के। अब संख्या नहीं पता कौन सी संख्या है, है पता नहीं, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखो माना संख्या बराबर यक्स। सभी लिखेंगे माना संख्या बराबर यक्स। अब लिखो प्रश्नानुसार, जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं, प्रश्नानुसार मतलब इस दिए गए प्रश्न के अनुसार। कह रहा कि संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, तो भैया संख्या है यक्स, यक्स में क्या करो, 8 से गुणा कर दो, ये लो। फिर कह रहा 4 जोड़िए, जोड़ दिया, फिर कह रहा आपको 60 प्राप्त होगा, प्राप्त भी कर लिया, ये बन गया हमारा समीकरण। गुणा कर लो, ये हो जाएगा 8x + 4 बराबर ये 60, ये समीकरण बन गया। लेकिन इतना तक ही नहीं था, इसमें दो स्टेप था। पहला तो समीकरण बनाना था जो कि बन चुका इक्वेशन, दूसरा इसको हल भी करके मान भी निकालने हैं। तो चलो इसको हल कर लेते हैं, कौन बड़ी बात है। इधर साइड देख लो साथियों, जैसे यहाँ देख रहे हो 8x + 4 = 60 है ना। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप लिखोगे 8x = ये 60 - 4 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 उधर ट्रांसफ़र होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो x = ये 56/8 हो जाएगा, 8 × 56, यक्स की वैल्यू 7 आई, यानी फाइनल हो गया आपका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट जो ए वाला था वो हो चुका है। समीकरण भी बन गया, समीकरण का हल भी हो गया, और अज्ञात राशि यक्स का मान 7 प्राप्त हो गया। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगर आप इस क्लास को YouTube पर डेमो के रूप में देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, PBR स्टडी प्रयागराज को, और बेल आइकन ऑन करें, जिससे कि आप हमारे साथ बने रहें। जल्दी करें। इसका अगला पार्ट ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। कह रहा कि एक संख्या का 1/5 घटा 4 यानी 4, संख्या 3 देता है, समझो। मतलब कह रहा कि एक संख्या का 1/5 घटा, इसका मतलब क्या है मालूम है आपको? 1/5 घटा मतलब घटाना होगा क्या, और उसके बाद क्या मिलेगा, संख्या 3 देता है। तो पहले समीकरण बनाइए कैसे होगा। एक संख्या का 1/5 × 4, देखो सिंपल सा है ये, घटा मतलब घटाना है। तो पहले तो संख्या हमें नहीं पता है, हम मान लेंगे माना संख्या बराबर यक्स, लिखो माना संख्या बराबर क्या, यक्स। अब कह रहा संख्या का 1/5, तो लिख तो नीचे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार संख्या का 1/5 मतलब यक्स इंटू 1/5 घटा 4 मतलब माइनस का 4 इक्वल क्या देता है, 3। बस ये समीकरण बन गया, फाइनल में नीचे लिख लो इसको, ये बन जाएगा x/5 - 4 = 3, ये हो गया इक्वेशन। क्या है, x/5 - 4 = 3। यहाँ से आपको इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है, बस ध्यान दीजिएगा नीचे मैंने लिखा है x/5, ठीक ना। तो चलो हल करते हैं, x/5 - 4 = 3, यहाँ 1 लिखो, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो ये यक्स में हो जाएगा x - 5 = 4 = 20, और ये 5 = 5 = 3, ठीक।
मल्टीपल कर लो क्रॉस में, तो साथियों यक्स माइनस 20 इक्वल ये 15 हो जाएगा, एक्स माइनस 20 इक्वल 15, एक्स की वैल्यू निकाल लो, उधर जाएगा ऐड हो जाएगा 35 आएगा, कितना आएगा 35 आएगा, रुको दिखा देता हूँ, उधर साइड जाएगा तो ये जुड़ जाएगा ना, जो 35 हो जाएगा टोटल, मतलब ऐसे एक लाइन इधर आओ लिख लो, यक्स इक्वल 15 प्लस 20, मतलब कि यक्स का वैल्यू आ गया टोटल 35, नोट कर लीजिए, ये आपका दूसरा भी इसमें से हो चुका है। इसके बाद अगर हम बढ़ें आगे तो देखते हैं, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, जल्दी करिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है। डियर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर इंग्लिश में सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा आपके लिए मतलब मुसीबत हो सकती है। देखो क्वेश्चन क्या है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, दूसरा का पहला पार्ट, कह रहा है कि द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेंड बाई अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्विस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। अभी हिंदी में भी बताऊंगा, ध्यान से सुनो पहले इंग्लिश में। द हाइएस्ट स्कोर इज 87, व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? कहने का ये मतलब है कि एक अध्यापिका कह रही है कि उसके क्लास में एक स्टूडेंट के द्वारा प्राप्त किया गया जो न्यूनतम मार्क्स है, वो स्टूडेंट द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम मार्क्स का जो है वो क्या है, 2 गुना से 7 अधिक है, ऐसे कुछ है ना बन रहा है। देखो मैं इसको बता देता हूँ, इसमें हिंदी फॉर्म में कैसे दिया गया है, हिंदी फॉर्म में कुछ ऐसे ही कह रहा है कि अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 है। देखो जमा आ रहा ना, जमा मतलब प्लस, ठीक, जमा 7 है तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, तो फिर न्यूनतम अंक बताइए क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे माना छात्र द्वारा प्राप्त किया गया क्या न्यूनतम अंक इक्वल यल या फिर एक्स मान लो, चलो न्यूनतम अंक क्या है एक्स है। उसके बाद क्या कह रहा है कि प्राप्त किए गए अधिकतम अंक जो है वो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना है, तो भैया अधिकतम अंक कितना होगा, अधिकतम अंक माना विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किया गया ये न्यूनतम अंक है, न्यूनतम अंक यक्स, तो अधिकतम अंक हो जाएगा 2x, ठीक। आगे कह रहा है कि प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 है, मतलब जमा 7 है, प्रश्नानुसार लिखो, प्रश्नानुसार प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का जो है वो अधिकतम अंक का 2 गुना जमा 7 है, तो भैया 2 गुना जमा 7 मतलब 2x प्लस 7, यही बोल रहा है ना, तो अधिकतम अंक कितना 87 है, बस यही बन गया आपका इक्वेशन, हल कर लो इसको, हल कर लो कितना आएगा, उधर साइड ले जाओ तो यक्स बराबर ये 87 में जब 7 जुड़ेगा तो आप जानते हो 3 90 हो जाएगा, 4 94 94/2, यानी कुल मिला करके फाइनल में यक्स की वैल्यू निकालोगे 2 4 जा 2 7 जा 87 आएगा, कितना आएगा 47, लिख लो आप सभी फटाफट जल्दी से नोट कर लो बिना देर करे हुए, ठीक ना। उसके बाद फिर हम सब आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ना है अभी, है ना, चलिए, कुछ गड़बड़ होगा तो बताना, इसमें हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो गड़बड़ क्या है ना यार, ये 87 जो है उधर साइड जाएगा तो ये घटेगा, जुड़ेगा नहीं, क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये देखो इधर साइड प्लस में है ना, थोड़ा सा मिस्टेक अगर हो जाता है तो आप उसे ध्यान दीजिए और तुरंत टोकिए, कमेंट करके बताइए, ये माइनस हो जाएगा उधर जाएगा, तो मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, 2x = 87 - 7 होगा, तो x = 80/2 होगा, = 40 होगा, बस और कुछ नहीं, गड़बड़, 80 आएगा, यानी जो अधिकतम संख्या क्या है 80 है, समझ गए ना, नोट कर लीजिए जल्दी से, बहुत जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, आगे चलते हैं फिर हम सब। ये आपका हो गया एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट।
देखिए ये दूसरा का पहला पार्ट था, अब दूसरा का दूसरा पार्ट देख लो साथियों, ध्यान से सुन लो, मैं लिखने वाला नहीं हूँ इसको। दूसरा का दूसरा पार्ट देखिए, कह रहा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु का मतलब ये होता है यार, जिसकी दो भुजाएं समान हों। ये देखो समद्विबाहु मतलब ये दोनों क्या हैं, एक समान है। अगर ये तीन है तो वो भी तीन ही होगी। फिर से सुनो, कह रहा किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है फिर बताइए। कह रहा किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं जबकि उसका शीर्ष कोण क्या है 40 है, तो फिर कह रहा आधार कोण होगा क्या बराबर, तो आपने कह दिया लेकिन है क्या, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे, माना आधार कोण बराबर यक्स। क्या मानेंगे, आधार कोण यक्स। तो आप जानते हो ये भी कह रहा, याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, आप सभी जानते हैं है ना। तो लिखेंगे माना आधार कोण बराबर यक्स, उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार यक्स धन 40 बराबर 180। ऐसा मैंने क्यों किया पता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। हमने क्या किया, रख दिया बस, जोड़ लो 2x धन 40 हो जाएगा, हल कर लो, इसका उत्तर आ जाएगा आपके सामने फटाफट। अभी देख लो ये हो जाएगा 2x धन 40 हो जाएगा इक्वल 180 हो जाएगा, इसमें से घटाओगे 140 आ जाएगा, 2 से भाग करोगे 140 का आधा कितना हो जाएगा, करके देख लो 70 आएगा, कितना आएगा 70, यानी कि जो आधार कोण है वो 70 का होगा, शीर्ष कोण 40 है, समझ गए ना। देखो यार अगर कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो खुद से कर लोगे, ये सब कोई बहुत बड़े सवाल नहीं है, लेकिन सीखने की कोशिश करिए तभी सीख पाओगे। देखो यारो ये हो गया आपका कंप्लीट, हो गया दो हो गया, ए बी हो गया, सी वाला देख लो, दूसरा का ए हो गया बी हो गया, सी वाला देखो। सी वाला क्या कहता है ध्यान से सुनो, कह रहा कि सचिन द्वारा पहले है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है, आगे उन दोनों ने मिल करके जो रन बनाए हैं वो कुल एक दोहरे शतक से 2 रन कम है, तो बताइए कि दोनों ने कितने कितने रन बनाए थे। फिर से सुनो, कह रहा कि सचिन ने जो रन बनाए हैं वो राहुल के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है, और उन दोनों ने कुल मिलाकर के इतने रन बना लिए हैं कि एक दोहरा शतक से 2 कम है। मतलब अगर 2 रन और बनाया होता तो दोनों ने मिलाकर के दोहरा शतक लगा दिया होता, शतक मतलब 100 होता है, दोहरा शतक मतलब 400 हो जाता, यही ना। तो भैया दोहरा शतक से 2 रन कम है, मतलब उन दोनों ने मिलकर के 398 रन बनाए हैं, ठीक। तो चलो, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है, तो पहले राहुल का पता होना चाहिए हमें, तो हम लिखेंगे माना राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या यक्स, कितना यक्स, तो सचिन द्वारा बनाए गए रन कितने हो जाएंगे, उनके दोगुने हो जाएंगे, मतलब सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 2x, बस ना इतने। तो अब प्रश्नानुसार दोनों ने मिल करके कितने रन बनाए, 398, तो दोनों का जोड़ दो, x प्लस 2x इक्वल 398, जोड़ोगे तो 3x आ जाएगा बराबर 398 आएगा। साथियों x बराबर, इसको 3 से भाग करोगे, 3 एक कम 3, करके देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, मुझे लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, देखो कितना आता है। देखो यार सब कुछ ठीक है, गलत कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा सा दिमाग जो है ना कालाफ, ये जो बहुत ज़्यादा रात में रिकॉर्ड होती थोड़ा गड़बड़ रहता है। दोहरा शतक मतलब आप सभी जानते हो, एक शतक में 100 नंबर मतलब 100 रन ना, तो दोहरा शतक मतलब कितना होता, 200 रन ही तो होता, दोहरा शतक में 200 रन होता ना, तो भैया 200 रन में से 2 अगर कम होगा तो 198 रन होगा, कितना होगा 198 ना, तो ये 200 रन कैसे इकट्ठा बढ़ गया था, बस यही गड़बड़ था और कुछ गड़बड़ नहीं। अब से आपकी क्लास जल्दी रिकॉर्ड हो जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी, बात समझ में आई, बस इतना था। तो साथियों x बराबर निकालोगे 198 अपान 3 करोगे तो 3 6 18, आप जानते हो 6 18 और ये 3 6 18, मतलब सचिन ने कितने रन बनाए थे 66 रन बनाए थे, क्योंकि x का मान 66 आ रहा है, जबकि राहुल द्वारा अगर बनाए गए रन हम निकालेंगे, बाद में लिख लेना दोनों का पूछा है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या x बराबर 66, राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 2x बराबर 2 × 66
दो छंग बारह एक तेरह, मतलब राहुल ने 132 रन बनाए थे और सचिन ने 66 रन बनाए थे। कैसे लिखोगे? सबसे पहले ऊपर लिखोगे सचिन द्वारा माना, सचिन द्वारा बनाए गए रन बराबर यक्स, हो गया। इसलिए राहुल द्वारा बनाए गए रन बराबर 2x, चूँकि प्रश्न में कहा है दोगुना है। प्रश्नानुसार x प्लस 2x इक्वल 198, इसको जोड़ लेना 3x हो जाएगा, यक्स बराबर 3 उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग करोगे 66 आएगा, फिर नीचे लिखोगे अतः सचिन द्वारा बनाए गए कुल रन यक्स बराबर 66, नीचे लिख लेना राहुल द्वारा बनाए गए कुल रन बराबर 2x बराबर बस 2 × 66 132 आ जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, सब कुछ समझ में आएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट लगभग आपका ये ख़त्म हो चुका है, ठीक ना। समझने की कोशिश करिए, और अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता यकीन मानिए, आप PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, रेगुलर क्लास देखिए, कंप्लीट कोर्स देखिए, मैथ में आप मास्टर बन जाएंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ आपको सिखाया जाता है। आप PBR स्टडी ऐप अगर नहीं डाउनलोड किए तुरंत डाउनलोड करिए, अगर कोई भी समस्या आप नंबर पर फ़ोन करिए तुरंत। लेकिन एक बात याद रखिए, नंबर पर सवाल नहीं बताया जाएगा, नंबर पर सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी, क्लास आपकी ऐप में ही चलेगी। तो स्टूडेंट आपका ये दूसरा का सभी पार्ट इसमें कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर तीसरा के बारे में अगर बात करें तो ये भी ऐसे ही है, एक दो नमूना देख लो, खुद से करना, ठीक है। देखो सुन लो कैसे है, कह रहा है इरफान कहता है कि उसके पास जितने कंचे हैं, क्वेश्चन नोट करो कॉपी में, मैं बोल रहा हूँ, रुक रुक के बोल रहा हूँ, लिखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का पहला पार्ट, खुद से बनाओगे समीकरण, क्वेश्चन लिखो कॉपी में, मैं लिखूंगा नहीं, बोल रहा हूँ, लिखो। इरफान कहता है कि उसके पास जितने कंचे हैं, उसके पास जितने कंचे हैं ओ यार सॉरी एक बार फिर से लिखो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इरफान कहता है, इतना ठीक है, इरफान कहता है उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, इरफान कहता है उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 × 7 अधिक कंचे हैं। इरफान कह रहा है कि भैया जो परमीत हैं उनके पास जितना कंचा है उसके कितना, 7 गुना बोल रहा है ना, हाँ 5 गुना, उसके 5 × 7 अधिक कंचा है। तो ये बताइए यदि यदि इरफान के पास 37 कंचा है तो परमीत के पास कितना होगा, कुछ समझ में आ रहा है। आप पहले लिखोगे माना परमीत के पास कंचे बराबर यक्स, तो परमीत के पास यक्स हैं तो इरफान के पास कितना होगा, भैया इसका 5 × 7 अधिक, मतलब कि इरफान के पास 5x·7 इतना कंचा होगा, है ना, बस इतना होगा ना। और फिर कह रहा है आगे यदि यदि इरफान के पास 37 कंचे हैं तो परमीत के पास कितने होंगे, भैया सिंपल सी बात है, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, बराबर 37 कर देना, x का मान निकाल लेना, नहीं आएगा तो बताना, हो गया समझ में आया। एक क्वेश्चन मैं और बोलूं, और लिखोगे ना, लिखो। अध्यापिका कहते ये हो गया, अगला लिखो। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, इसका दूसरा पार्ट लिखो जल्दी से, तीसरा का, खुद से समीकरण बनाना, नहीं आएगा तो बताना। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी के 3 × 4 वर्ष अधिक है, उनकी आयु लक्ष्मी के 3 × 4 वर्ष अधिक है, लक्ष्मी की आयु क्या है, फिर बताइए लक्ष्मी की आयु क्या है, एक बार फिर से सुन लो। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी के पिता के आयु के 3 × 4 वर्ष अधिक है, लक्ष्मी की आयु क्या है, क्वेश्चन नोट करोगे, अगर मैं दो दो बार बोल रहा हूँ आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। अगला और भी दूं क्या, एक रहने दो, हो गया इतना,
ठीक है, ख़त्म हो गया ये आपका चैप्टर 4.4 ख़त्म हो गया। इस तरह से आपका सरल समीकरण ख़त्म हो गया। क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज मतलब क्लास सेवन्थ मैथ का एक्सरसाइज 4 पूरा ख़त्म हो गया, चैप्टर ख़त्म हो गया सरल समीकरण। अब इसके आगे आप 5वां चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। तो साथियों, अगर आपने इस क्लास को YouTube पर देखा तो आप PVR स्टडी ऐप डाउनलोड करें और PVR स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सकें। आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने इस क्लास को डेमो के रूप में देखा है तो इसे दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने इसे ऐप में ले रखा है, सिस्टम से देख रहे हो आप, इसके पीछे की क्लास भी पाए हो, आगे वाली भी पाए हो, तो आप नोट्स बनाओ और ईमानदारी से पढ़ो, जिससे कि आपको मैथ आने लगे, फिर बाद में बेइज्जती ना करवाओ कि हाँ भैया मैंने क्लास लिया था लेकिन मुझे आया नहीं। अगर आप देखोगे एक सिस्टम से, गारंटी हमारी आपको मैथ आएगा, मैथ में मास्टर बन जाओगे, बेसिक मैथ में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जय हिंद। चलते चलते याद रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, तो कोशिश करने से बिल्कुल नहीं चूकना, ठीक है। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के मुश्किल, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अपनी मंजिल को तुम अंधेरे में, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। दोस्तों, क्लास रिकॉर्ड करने में काफ़ी देर हो जाती है, इस वजह से थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब रहता है, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, हमारी लैंग्वेज में कभी कभी रिपीट हो जाती है बातें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।